तो क्लाइमेट के अनुसार ही हर जगह जो है कोई भी चीज़ जो है सर्वाइव करती है, और हमारे पहाड़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लोकल मसाले जैसे जीमूचोरा, काला जीरा, दूनू वगैरह, ये सारे मसाले होते हैं, और इसके अलावा भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ पर मिलती है। तो सूखी जड़ों का जो ये ढेर लगाया गया है इसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है दंदासा, और इसको जो यूज़ है बहुत पुराने टाइम से लेकर के किया जाता है दांत साफ करने के लिए। बहुत ही साफ़ सुथरे हो जाते हैं इससे दांत, और अखरोट की जो जड़ें होती है उसका ये छिलका होता है जिसको खुरच कर निकाला जाता है और फिर सुखाया जाता है, तो इसको भी मार्केट में बेचा जाता है। और ये जो काली काली चीज़ आप देख पा रहे हैं ये है पहाड़ी शिलाजीत, जो कि ऊंचे पहाड़ों में मिलता है। बहुत ही मुश्किल होता है इसको निकालना क्योंकि बहुत हाइट में होता है। तो इसका जो सेवन है वो दूध के साथ किया जाता है, जो कि बॉडी में अगर पेन हो तो उसमें बहुत ही राहत पहुंचाता है। विटामिन्स और मिनरल्स का तो ये भंडार है। और ये है बुरांश के फूल जो अभी नीचे झड़े हुए हैं, तो इसके ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और उसे निकालना इसको बहुत ही कठिन होता है। और इसका यूज़ जो है जूस बनाने के लिए, चटनी, जैम हो गया, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। और इसके अलावा जैसे दस्त, डायरिया वगैरह हो गया तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और ये जो जड़ी बूटी आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं धुनी, जिसको जो है आग में जलाया जाता है और उसका जो धुआं है वो पूरे वातावरण को क्लीन करता है और बहुत सारी बीमारियों को भी ये काटता है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ऐसा माना जाता है इसको जलाने से वो दूर हो जाती है। और ये है रतन ज्योत, जिसका यूज़ बालों की ग्रोथ के लिए भी किया जाता है, और जैसे फूड में कलर वगैरह देना हो तो उसके लिए भी इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। तो हमारे पहाड़ों में इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो है वो पाई जाती हैं।